हेलो ब्यूटीफुल पीपल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ बेंगोली रसमलाई की रेसिपी, जो बहुत ही यमी एंड डिलीशियस होती है। होप आप सबको पसंद आएगा, आप सब इंजॉय करोगे। आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं ले रही हूँ 1 लीटर मिल्क। जब मिल्क पर उबाल आ जाए तब मैं डाल दूंगी 1/3 कप दही। दही से मैं दूध को फटा लूंगी, इससे जो है छेने की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। आप देख सकते हो दूध जो है वो फटना स्टार्ट हो गई है। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। अब मैं छेने को निकाल लूंगी एक कॉटन के क्लॉथ पर। कॉटन के क्लॉथ को पहले से वॉश कर लीजिए, मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं छेने को इस पर डाल दूंगी, मैंने सारे छेने को निकाल लिया है। फिर मैं पानी से छेने को वॉश कर लूंगी ताकि दही का फ्लेवर इस पे ना रहे। कपड़े के किनारों से ऐसे पकड़ ले और स्क्वीज करके जितना हो सके पानी को निकाल ले। अब मैं इसको हैंग करके रख दूंगी 1 घंटे के लिए। यहाँ 1 घंटा हो चुकी है, मैंने छेने को कपड़े से निकाल लिया है। अब मैं छेने को हाथों की मदद से अच्छे से मैश कर लूंगी और इतना मैश कर लूंगी ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। मैश करते करते आप देख सकते हो ये सॉफ्ट हो गई है एंड इसकी डो कुछ इस तरह होनी चाहिए। अब मैं रसमलाई के छोटे छोटे बॉल्स बना लूंगी और इसको थोड़ा लंबा शेप दे दूंगी। आप अपनी पसंद का कोई भी शेप दे सकते हो। वैसे ही मैं सारे रसमलाई को तैयार कर लूंगी। यहाँ मैंने सारे रसमलाई को तैयार कर लिया है। अब मैं रसमलाई की चाशनी रेडी कर लूंगी। उसके लिए मैं ले रही हूँ 4 कप वाटर। फिर मैं ले रही हूँ 1 कप शुगर। पानी में जब उबाल आ जाए और चीनी जो है वो अच्छे से गल जाए उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ 3 इलायची। चाशनी में जब उबाल आ जाए तब मैं सारे रस मलाई को इस पे डाल दूंगी एंड इसको ढक के 20 मिनट तक पका लूंगी एंड लिड की होल को बंद कर दूंगी एक पेपर की हेल्प से। दस मिनट के बाद एक स्पैचुला के हेल्प से मैं रसमलाई को थोड़ा चला लूंगी ताकि ये बोथ साइड से कुक हो जाए। 20 मिनट बाद रसमलाई जो है वो अच्छे से पक गई है। अब मैं रसमलाई को एक स्ट्रेनर के हेल्प से प्लेट में निकाल लूंगी। मैंने सारे रसमलाई को निकाल लिया है, अब हम इसकी मलाई तैयार कर लेंगे। मलाई प्रिपेयर करने के लिए मैं ले रही हूँ 3 कप मिल्क। अब मैं मिल्क को बॉईल कर लूंगी और इसको इतना पका लूंगी ताकि ये हाफ हो जाए। दूध को मैं लगातार चला लूंगी ताकि ये नीचे से जले ना। दूध जो है वो बॉईल होता रहे इसी बीच में इसकी कैरेमल तैयार कर लूंगी। कैरेमल तैयार करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ 3 टेबलस्पून शुगर। शुगर को मैं अच्छे से मेल्ट कर लूंगी लो फ्लेम पे। शुगर जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। मैं इसकी कलर को थोड़ा डार्क कर लूंगी, आप चाहो तो लाइट कलर भी रख सकते हो। मिल्क जो है वो थिक होना स्टार्ट हो गई है। अब मैं कैरमल को इस पे ऐड कर लूंगी और एक स्पैचुला के हेल्प से लगातार चला लूंगी। आप देख सकते हो एक प्यारा सा कलर आ गया है इस पे। अब मैं सारे बॉल्स को मलाई पे डाल दूंगी और इसको अच्छे से पका लूंगी 5 मिनट के लिए ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। रसमलाई जो है वो प्रिपेयर हो गई है। अब मैं इसको फ्रीजर में रख दूंगी 1 घंटे के लिए ताकि अच्छे से ठंडी हो जाए। 1 घंटे के बाद रसमलाई को मैंने फ्रीजर से निकाल लिया। अब मैं सारे रसमलाई को ट्रांसफर कर लूंगी एक बाउल पे। अब मैं रसमलाई को सर्व कर लूंगी एक मिट्टी के बाउल पे। इससे ये देखने में और भी खूबसूरत लगती है। तो देखा आपने कितनी झटपट से ये रेसिपी बन जाती है। एंड जरूर हमें कमेंट करके बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब मैं इसकी गार्निशिंग कर लूंगी कुछ केसर के धागों से। आप चाहो तो बादाम भी यूज कर सकते हो। जरूर से एक बार घर पे ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको आपकी फैमिली को बहुत ही पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए एंड पास के लिटिल बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिए, बाय बाय।